अमेरिकी नेवी ने जारी किया है रॉकेट लॉन्चिंग का वीडियो, आपको दिखाते हैं। समंदर किनारे किसी लॉन्च पैड का इस्तेमाल किया गया है। लॉन्च को बताया गया हाइपरसोनिक प्रोग्राम का हिस्सा। लगातार अपने हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम कर रहा है यूएस, और उसी की ये तस्वीरें आपके सामने। तो हर देश इस वक्त अपनी सैन्य ताकत दिखाने में पीछे नहीं हट रहा, लगातार इस तरीके के वीडियोस सामने आ रहे हैं। और इस बीच पुतिन के दावे पर यूक्रेन का बड़ा बयान सामने आया है। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के सलाहकार ने बयान दिया है, पुतिन यूएस और नेटो पर लगा सकते हैं वॉर का इल्जाम। पुतिन के बयान के आधार पर यूक्रेन ने यह आशंका जताई है। तो कुल मिलाकर ये लगातार रूस की तरफ से संदेश देने की कोशिश है कि यूक्रेन अपनी ही धरती पर हमला करवाएगा और उसका आरोप पड़ेगा रूस पर। इस पूरे मामले पर लगातार रूस की तरफ से बयान भी साझा किए जा रहे हैं, जैसा कि जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि रूस यूक्रेन और पश्चिम के बीच वॉर के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने की कहानी कहां से आखिरकार शुरू हुई, ये समझना आपके लिए जरूरी है। जानकारी आपके सामने। देखिए, कुल मिलाकर समझिए कि पुतिन ने सबसे पहले यह आरोप लगाया कि यूएस और नेटो ने यूक्रेन को टेस्टिंग ग्राउंड बनाया, यूक्रेन का इस्तेमाल मिलिट्री और बायोलॉजिकल टेस्ट के लिए किया गया, ये आरोप लगाया गया। पुतिन के मुताबिक अब भारी हथियारों की टेस्टिंग का जरिया भी यूक्रेन को ही बनाया जा रहा है, जबकि न्यूक्लियर वेपन हासिल करने के लिए यूक्रेनी इरादे को पश्चिम नजरअंदाज कर रहा है। अब इसी के बाद यूक्रेनी रक्षा अधिकारी ने कहा कि पुतिन वॉर छेड़ने का ठीकरा अमेरिका और नाटो पर फोड़ना चाहते हैं। तो किस तरीके से ये विवाद शुरू हुआ, ये आपके सामने हम रख रहे थे।